आपके पास बैंक ऑफ इंडिया का डेबिट या क्रेडिट कार्ड है और उस कार्ड को जब अमेजन फ्लिपकार्ट या ई कॉमर्स वेबसाइट में जाके जब पेमेंट के लिए आप उसको यूज़ करते हैं तो पेमेंट आपका वहाँ पे डिडिट नहीं होता है, वहाँ पे आपका जो कार्ड है वो ब्लॉक बताता है, तो आप कैसे इसको इनेबल कीजिएगा, कैसे आप डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड का जो भी यहाँ पर आपका पेमेंट ट्रांजेक्शन वहाँ पर ब्लॉक बता रहा है उसको ऑन कर पाइएगा, वो मैं आपको इस वीडियो में क्लियर करने वाला हूँ। सबसे पहले तो दोस्तों आपको क्या करना है, अगर आपके पास बैंक ऑफ इंडिया का डेबिट या क्रेडिट कार्ड वहाँ पर ब्लॉक बता रहा है, पेमेंट नहीं कर पा रहे हैं, तो प्ले स्टोर में आपको जाना है और प्ले स्टोर में जाने के बाद आपको सर्च में जाना है और यहाँ पे आपको लिखना है BOI, तो बैंक ऑफ आई लिखिए तो BOI मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन देख मिलेगा, इस पर क्लिक करके BOI मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन को क्या करना है, सबसे पहले तो दोस्तों इसको इंस्टॉल कर लेना है, देन इसके बाद दोस्तों इसको ओपन कर लेना है और इसमें आपको रजिस्टर कर लेना है। आपने अगर रजिस्टर कैसे करना है वो अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो वीडियो देख लीजिएगा, देन उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर लॉगिन का प्रोसेस यहाँ पर कंप्लीट कर लेना है। लॉगिन का प्रोसेस जैसे आपका यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है, कंप्लीट होने के बाद जैसे आप यहां पे होम स्क्रीन में आइएगा तो होम स्क्रीन में आने के बाद इस प्रकार का आपको इंटरफेस देख मिलेगा, देन उसके बाद आप इस प्रकार से नीचे स्क्रॉल करें और नीचे स्क्रॉल करने के बाद आपको नीचे में एक ऑप्शन मिलेगा माय कार्ड का, तो आपको देख लेना माय कार्ड वाला ऑप्शन कहां पे शो हो रहा है, इस ऑप्शन पे आप टैप कर दें। जैसे आप यहां पे टैप कीजिएगा, टैप करने के बाद आपका डेबिट क्रेडिट कार्ड आपको यहां पे शो हो जाएगा, देन उसके बाद आप यहां पे देखें कुछ ऑप्शन आपको मिलेंगे जिसमें सेट लिमिट चैनल का ऑप्शन है, हॉट लिस्ट कार्ड का ऑप्शन है, चेंज पिन का ऑप्शन है और कार्ड रिप्लेसमेंट वाला ऑप्शन यहां पे देखने को मिल जाएगा। तो आपको यहां पे सिंपली क्या करना है, यहां पे एक ऑप्शन मिलेगा सेट लिमिट एंड चैनल का, इस ऑप्शन पे आप क्लिक करें। जैसे क्लिक कीजिएगा, क्लिक करने के बाद आप यहां पे देख सकते हैं जो आप यहां पे डेबिट कार्ड यूज करते हैं कहां कहां आपको इनेबल करना है वो ऑप्शन देख मिलेगा। जैसे ATM में इनेबल करना चाहते हो तो ये आप कर सकते हैं, यहां पर टैप टू पे वाला ऑप्शन मिलेगा, ई कॉमर्स का ऑप्शन यहां पर देख मिलेगा, मर्चेंट आउटलेट का ऑप्शन देख मिलेगा। तो ये जो आपका ई कॉमर्स वाला ऑप्शन है यहां पर ऑफ किया जाएगा, तो सिंपली क्या करना है इसको यहां से ऑन कर लेना है और कितने अमाउंट तक आप ई कॉमर्स में यहां पे ट्रांजैक्शन कर सकते हैं डेली लिमिट आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं, जैसे 50,000 आपको मैक्सिमम लिमिट यहां पे देखने को मिलेगा, देन इसको करने के बाद आपको सेम चेज पे आपको क्लिक करना है और देन दोस्तों उसके बाद आपको क्या करना है इसको सेव कर लेना है। बस दोस्तों ये प्रोसेस कंप्लीट कीजिएगा, देन उसके बाद ये आपका ATM जो कार्ड है वो अपडेट हो जाएगा, देन उसके बाद आपको क्या करना है अमेजन फ्लिपकार्ट में जाना है, देन उसके बाद फिर से आपको डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड को यूज करना है, देन आप यहां पर देखिएगा आपका जो भी कार्ड यहां पर ब्लॉक बता रहा था पेमेंट नहीं कर पा रहे थे वो पेमेंट आपका होना चालू हो जाएगा।